मलेशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद के बाद मलेशिया की एंटी करप्शन चीफ लतीफा कोया ने भी इस्तीफा दे दिया। लतीफा कोया का कहना है कि उन्होंने किसी दबाव में आकर इस्तीफा नहीं दिया, वो ह्यूमन राइट्स वकील की हैसियत से काम करना चाहती हैं। मलेशिया में 1MBD में करप्शन की तहकीकात करने वाली एंटी करप्शन की सरबरा लतीफा कोया ने इस्तीफा जमा कराने के बाद अपने बयान में कहा कि उन्होंने किसी किस्म के दबाव में आकर इस्तीफा नहीं दिया, वो ह्यूमन राइट्स की वकील की हैसियत से दोबारा प्रैक्टिस करना चाहती हैं। मुस्ताफी होने वाली एंटी करप्शन चीफ ने मजीद कहा कि उन्होंने 1MBD केस से मुतालिक इकदामात से नए वजीर आजम मोहियुद्दीन यासीन को आगाह कर दिया, वो इन इकदामात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हाल ही में मलेशिया के 94 साल वजीर आजम महातीर मोहम्मद भी मुस्ताफी हो चुके हैं। महातीर मोहम्मद ने अपना इस्तीफा मलेशिया के बादशाह को भिजवाया था।